Hello all of you. In this video, we will going to start computer science. ये आपकी computer science class 11th की है, जो कि आपकी NCERT की book है. NCERT में start करने जा रहे हैं, जिसका कि आज ये first chapter का first part हम करने वाले हैं. तो चलिए देख लेते हैं आपका first chapter क्या है और first chapter में आपको क्या क्या दिया गया है. Name of first chapter, computer system, जिसे कि computer system कहते हैं. आज हम इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे. इंट्रोडक्शन जानने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं हमारे पढ़ने के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको इस चैप्टर में दिया गया है. पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट आपका है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. फिर आपकी मेमोरी दी गई है, कंप्यूटर की मेमोरी, डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, मेमोरी और सीपीयू के बीच किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है. डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे. डेटा आपके रो फिगर एंड फैक्ट होते हैं, और जब हम डेटा देते हैं तो कोई भी जब इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन फॉर्म में मिल जाती है. डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसे हम पढ़ेंगे. माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू को ही बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे. फिर सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानेंगे. नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये टॉपिक आपके चैप्टर के हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं. सबसे पहले है कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या है, तो कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं है, ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये डेफिनेशन से आप फैमिलियर होंगे पहले से ही. कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा. डेटा किसे कहते हैं, इनपुट को, जो कि हम अपने कीबोर्ड से या माउस से हम कुछ डेटा कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट करते हैं. प्रोसेस, उसके बाद में जब हम कंप्यूटर डेटा देते हैं तो ये सीपीयू में क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है. इट एंड जनरेट रिजल्ट, उसके बाद में हमें ये रिजल्ट दे देता है, जिसे आउटपुट कहा जाता है. अ कंप्यूटर अलॉन्ग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम. अब कंप्यूटर सिस्टम अगर पूरी की बात करें तो इसमें आपके हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, आपका एक सिस्टम होता है, मॉनिटर से आप बोलते हैं. ठीक है, ये मॉनिटर है, ये आपका क्या है, हार्डवेयर है. ये सीपीयू है, जो कि ये एक सीपीयू का बॉक्स होता है, बेसिकली सीपीयू नहीं है, ये बॉक्स है सीपीयू का. और यहाँ पे आपका एक कीबोर्ड होता है और माउस होता है. ये सब क्या है, ये आपके हार्डवेयर हैं. ठीक है, तो हार्डवेयर और जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो भी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सभी मिला के आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम आपका कंप्लीट बनता है. कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरली कंप्राइज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या है, बेसिकली ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप पहले से फैमिलियर हैं, जिसको सीपीयू बोलते हैं, या सीपीयू का ये फुल फॉर्म भी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, मेमोरी होता है, सीपीयू के अंदर आपकी एक मेमोरी यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, सीपीयू के सारे पार्ट हैं, जो कि आपकी मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं एंड स्टोरेज डिवाइसेस हैं. ऑल दीज कंपोनेंट, इन सबको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, ऑल दीज कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर, ये जो भी कंपोनेंट हैं ये मिलकर काम करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के रूप में, टू ड्राइवर द डिजायर्ड आउटपुट. और इसको आपको जो भी डिजायर्ड आउटपुट होता है वो आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है. कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म इनसाइड. जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं. आपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप और टैबलेट, और आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है. ठीक है, मोबाइल फोन से भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो भी आपका स्मार्टफोन होता है, जो आप एक कंप्यूटर सिस्टम से कर सकते हैं. तो ये सारे क्या हैं, ये आपके अलग अलग साइज के आपके डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम है. इट कैन
वेरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आप जानते होंगे, पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म पीसी होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ही आपके आते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन जो आपके होते हैं। यहां पर आपको नीचे एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जो कि सीपीयू का डायग्राम है। ये आपका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है, किसका है, सीपीयू का। अगर आप एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है या आपको ड्रॉ करने के लिए आता है ब्लॉक डायग्राम, तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। यही डायग्राम आपको बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं इस डायग्राम में क्या क्या दिया गया है आपको। यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी, सबसे ऊपर क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। ये आपके सीपीयू का पार्ट नहीं होती है, ये आपको बाहर से लगी होती है। सीपीयू के अंदर का पार्ट नहीं, आपको सीपीयू दिखाई दे रहा है, ये बाहर ही लगी हुई है। सीपीयू के अंदर आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है जिन्हें की रजिस्टर बोलते हैं, रैम रोम जो आप जानते होंगे। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। यहाँ पे ALU दिया गया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितने भी आपके अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी इसकी मैथमेटिक्स के पार्ट है, वो सभी कौन ऑपरेट करता है, उसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा उन्हें मैथ के जो भी काम है उन्हें सॉल्व किया जाता है। जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया या लॉजिकल ऑपरेशन, ये सभी ALU द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइस जो बाहर से होती हैं, जैसे आपका कीबोर्ड माउस, आप बाहर से कोई डेटा इनपुट करते हैं, सीपीयू में जाके ये प्रोसेस होता है और आपको फाइनली आउटपुट मिल जाता है, आपको रिजल्ट मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन जो आपकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे हमने ब्लॉक डायग्राम देखा सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। अब सीपीयू होता क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम का एक ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसे सर्किटरी भी कहते हैं। दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग, ये क्या करता है, ले जाता है, एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है। एंड यूजुअली referred as a brain of computer, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू को ही प्रोसेसर भी कहा जाता है, इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर, इसे कॉमनली प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स। फिजिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा जो सीपीयू है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा माइक्रोचिप लगे होते हैं जिन्हें कि इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। IC शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है, IC, जो माइक्रोचिप होती है ना IC कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। द IC कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल, और जो ये IC होती है वो किसकी बनी होती है, ये आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई होती है। यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे आपको ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हार्डवेयर है, सीपीयू का हार्डवेयर पार्ट है। माउस भी हार्डवेयर है, स्कैनर भी हार्डवेयर है, और ये आपको टच स्क्रीन फोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टच स्क्रीन आपके लैपटॉप भी होते हैं। द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन, जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन, जो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन होते हैं एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम, द सीपीयू देन फेच अ प्रोग्राम। फेच का मतलब होता है निकालना, प्रोग्राम को निकालता है, एंड डेटा फ्रॉम अ मेमोरी, जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सब कहाँ पे जाता है, मेमोरी में जाता है। मेमोरी से सीपीयू क्या करता है, फेच करने का काम करता है, निकालता है मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, डेटा है, जो भी आपने दिया है उसे, फिर सीपीयू फेच करता है मेमोरी से। एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, और उसमें आपके अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन,
जो भी उसे निर्देश दिए गए हैं एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू मेमोरी, और वापस से वो आपके रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर कर देता है। वाइल प्रोसेसिंग, जिस समय प्रोसेसिंग हो रही होती है द सीपीयू स्टोर द डेटा। सीपीयू क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। एज वेल इंस्ट्रक्शंस इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर, जो प्रोसेसिंग के समय जो सीपीयू है वो डेटा को स्टोर करता है। कहाँ पे डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है, लोकल मेमोरी में, जिसे कि रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर आर पार्ट ऑफ सीपीयू चिप, रजिस्टर क्या होते हैं, सीपीयू चिप के पार्ट होते हैं। एंड दे आर लिमिटेड इन साइज, और ये साइज और नंबर में बहुत ही लिमिटेड होते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि रजिस्टर बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, डिफरेंट इसमें क्या क्या डिफरेंट है, रजिस्टर आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, रजिस्टर का यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट और आपका जो भी रिजल्ट है उसे स्टोर करने के लिए। अदर देन रजिस्टर, रजिस्टर की और बात करें अगर हम यहाँ पे, तो सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट, सीपीयू के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जो कि एक ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट जिसे CU बोलते हैं। तो जो सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट आपके हैं ALU और CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ALU का काम क्या है, ये सभी तरह के अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है। दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन, जैसा कि इसे निर्देश दिया गया होता है इन अ प्रोग्राम। CU का काम क्या होता है, कंट्रोल द सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, CU कंट्रोल करने का काम करता है। मान लीजिए आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ कंप्यूटर को दे दिए, अब एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ कैसे सीपीयू सॉल्व करेगा, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसे कंट्रोल करके एक एक देने का काम करेगा। जैसे एक सॉल्व हो जाएगा वो दूसरा देगा, इस तरह से वो डेटा को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सीयू का होता है, कंट्रोल यूनिट का। इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन एंड गाइड डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी। ALU एंड जो ALU होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, जो भी इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस है जिनके द्वारा आप डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। CPU इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, आप CPU के आप सारे नाम याद रखेंगे, CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं, क्योंकि CPU आपका प्रोसेसिंग करने का काम करता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वैसे तो इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं उनको हमने ऊपर देखा, क्या क्या थे इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पर हमने कीबोर्ड के बारे में देखा, कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। आपका माउस, जिसे कि पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी आपकी इनपुट डिवाइस है, जो कि आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर को प्रोवाइड कराने का काम करती है। टच स्क्रीन भी आपकी क्या है, ये आपकी यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है, जिससे टच स्क्रीन, जैसे आपके टच स्क्रीन फोन अगर आपके हाथ में है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने अपने मोबाइल फोन में, टच स्क्रीन की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस और थोड़ा सा जान लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज अ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, कंप्यूटर को सिग्नल भेजती हैं। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू द डिजिटल फॉर्म, ये क्या करती हैं, डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। दैट इज एक्सेसिबल बाय कंप्यूटर सिस्टम, जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या कर पाए, उनको एक्सेस कर पाए। सम एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, जिन्हें हम ऊपर देख चुके हैं, इनसे हम पहले से फैमिलियर हैं। स्पेशली डिजाइंड, इनको खास करके डिजाइन किया गया है
ब्रेल कीबोर्ड्स, जो ब्रेल कीबोर्ड होता है इसके लिए आर आल्सो अवेलेबल टू हेल्प द वर्चुअली इम्पेयर्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, जिनमें कि कंप्यूटर में आप वर्चुअली डेटा को इंटर कर सकते हैं। बिसाइड वी कैन नाउ इंटर डेटा थ्रू वॉइस, आप बोलकर भी डेटा इंटर कर सकते हैं, आप के हाथ जो मोबाइल फोन है इसमें भी ऑप्शन होता है जिसमें आप बोलकर डेटा को इंटर कर सकते हैं, आप जो बोलेंगे वो लिख जाएगा। एग्जाम्पल, वी कैन यूज गूगल वॉइस, आप गूगल वॉइस का भी यूज कर सकते हैं, जो गूगल वॉइस सर्च टू सर्च कुछ भी आपको सर्च कराना है वेबसाइट पे तो आप बोलकर उसे बता सकते हैं। वेयर वी कैन इनपुट सर्च स्ट्रिंग थ्रू अवर वॉइस, जो भी हम बोलेंगे उसे वो सर्च करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा। डेटा इंटर थ्रू इनपुट डिवाइस, डेटा को हम किसके थ्रू इनपुट करते हैं तो डेटा को हम इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट कर सकते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज इन मेन मेमोरी, टेम्परेरी डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है, मेन मेमोरी के अंदर, जिसे कि रैम कहते हैं। ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है उसे क्या कहा जाता है, रैम कहते हैं, और मेन मेमोरी भी उसी को कहा जाता है। परमानेंट स्टोरेज, और जो आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है जिसे आप फ्यूचर में डेटा को एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए, डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर परमानेंटली, जब आप परमानेंटली किसी को आप स्टोर करना है आपको डेटा को जिसे एक आप फ्यूचर में यूज कर पाए तो आप परमानेंटली स्टोर करेंगे उसे। इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन, कहाँ पे जो परमानेंट आपकी स्टोरेज होती है या एडिशनल स्टोरेज लोकेशन पे, जिसे कि हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको आउटपुट डिवाइसेस दी गई हैं, डिस्प्ले जिसे कि मॉनिटर कहते हैं, तो मॉनिटर में आप जो कुछ भी काम होता है, आप जो कुछ भी करते हैं वो आपको कहाँ पर डिस्प्ले होता है, मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। स्पीकर, स्पीकर से आप साउंड सुन सकते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में आपको प्रोवाइड कराने का काम करता है, और यहाँ पे 3D प्रिंटर है। ये सभी क्या हैं आपके, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आउटपुट के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। द आउटपुट डिवाइसेस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइस क्या करती है, डेटा को रिसीव करती हैं। कहाँ से रिसीव करती हैं, कंप्यूटर सिस्टम से। फॉर डिस्प्ले, फिजिकली जो डेटा है उसको डिस्प्ले करने का काम कहाँ पर होता है, मॉनिटर के ऊपर होता है। कार्ड आउटपुट डिवाइस, जिसे कि हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, ये क्या करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट करके दे देता है। जैसे कि कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, कंप्यूटर हमारा सिर्फ 01 01 01 ही समझता है, ठीक है, लेकिन 01 कंप्यूटर समझता है, हम तो नहीं समझते 01, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर 01 को कन्वर्ट ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल, जिस फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को समझ सके उसमें कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करा देता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, सम ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ये सब क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे आपको आउटपुट डिवाइसेस दी गई हैं। अब जिस तरह से हमने ब्रेल डिस्प्ले इनपुट डिवाइसेस देखी थी, वैसे यहाँ पर ब्रेल डिस्प्ले आउटपुट मॉनिटर भी है, जो कि किसके लिए यूजफुल होता है, विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है। अंडरस्टैंड बाय टेक्सचर आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर, ये किसके लिए होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ब्रेल डिस्प्ले इनपुट डिवाइसेस पे होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस पे होती हैं, जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं, पर्संस होते हैं, उनके लिए यूजफुल होती हैं। द प्रिंटर इज मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकली हार्ड कॉपी फॉर्म, अब जो प्रिंटर आपका है वो बहुत ही कॉमन एक आउटपुट डिवाइसेस है, जो कि हमारे सॉफ्ट कॉपी को फिजिकली या हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कराती है। अगर आपसे पूछा जाए सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में या फिजिकली कन्वर्ट
कैसे मिल आपको आउटपुट मिलेगा, तो आपको प्रिंटर से मिलेगा। जब आप कंप्यूटर में जो कुछ भी आपने लिखा है, पीपीटी बनाई है, या आपने कुछ टाइप किया है, लेटर टाइप किया है, जब आप उसका प्रिंट ले लेते हैं, जो पेपर फॉर्म में आपके हाथ में होता है वो क्या कहलाता है, वो हार्ड कॉपी कहलाता है। जब तक कोई चीज कंप्यूटर के अंदर है तब तक वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। थ्री टाइप ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर आर, अब प्रिंटर यहाँ पे कॉमनली कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये तीन तरह के प्रिंटर हैं। नाउ अ डे, आज के समय में, देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर, आज के समय में और भी नए तरह के प्रिंटर आ गए हैं, जैसे कि 3D प्रिंटर, विच इज यूज्ड टू बिल्ड फिजिकली रिप्लिका ऑफ डिजिटल 3D डिजाइन, जो कि 3D डिजाइन को ये प्रेजेंट करने का काम करते हैं, 3D फॉर्म में प्रिंट करने का काम करते हैं 3D प्रिंटर। दीज प्रिंटर आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनका यूज कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, टू क्रिएट फोटोकॉपी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की फोटोकॉपी क्रिएट करने का काम करते हैं, और भी इनका, और कहाँ का मीडिया फील्ड में इनका इस्तेमाल होता है, यूज किया जाता है, और भी बहुत कई जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है, डेवलपिंग बॉडी जो होती है वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो अब इस चैप्टर को हम यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को। हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देखा है, जिसमें हमने CPU के बारे में जाना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे यहीं तक रखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में आप इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।